मध्य प्रदेश में जैसा कि आप सब ने जाना, सिंधिया समर्थकों के हट पे आने की वजह से, टिकट को लेकर हट पे आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। मोदी अमित शाह ने जिस विश्वास के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का टिकट दिया था पिछली बार और उन्हें उड़यन मंत्री बनाया गया और उसके बाद सत्ता में भाजपा काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम कर रही है, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका कदभार भाजपा में बढ़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके आने से सत्ता में और मजबूती आई भाजपा के, उस ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को निराश भी भला कैसे कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को निराश करने का फैसला भी नहीं होगा, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा सिंधिया समर्थक हो या फिर परिवार वाद नहीं चलेगा भाजपा में। इसी वजह से यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ है जेपी नड्डा का फैसला? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी ने अपना फैसला सुनाया है? बीजेपी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज करना चाहती है? खैर, यहाँ पर आपको रिपोर्ट देना चाहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिला अध्यक्षों को और इसके बाद फैसला लिया। जैसे ही सिंधिया समर्थकों की नाराजगी सामने आई है उसी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शायद डरे हुए हैं। अब यहाँ बता दें कि सिंधिया के बुलावे पर दिल्ली पहुँच गए हैं जिला अध्यक्ष के अलावा पूर्व मंत्री माया सिंह को लेकर भी दिन भर चर्चाओं का दौर चला है। 10 मिनट की मुलाकात के दौरान निर्देश दिए गए कि बाड़ों में प्रत्याशियों के चयन से पहले पूरा होमवर्क करना पड़ेगा उन्हें। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने संगठन और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सामान्य चर्चा की है, यानी कि सिंधिया समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी में मुश्किलें खड़े कर रहे हैं और पार्टी न टूटे इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जेपी नड्डा के आगे झुके और उनकी बात रखने के लिए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हो रही लड़ाइयों को लेकर अपनी तरफ से बड़ा कदम उठाया। ऐसे में आपको बता दें, उनके समर्थकों को भले ही टिकट ना मिला हो जिसकी वजह से वो नाराज हो, लेकिन इसके बावजूद भी सिंधिया आगे बढ़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी व ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा को शनिवार को दिल्ली तलब किया। 10 मिनट की मुलाकात के दौरान उन्हें निर्देश दिए गए कि वार्डों के प्रत्याशियों के चयन से पहले पूरा होमवर्क किया जाए। नगर निकाय चुनाव की हलचल शुरू होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह फैसला लिया है और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने संगठन और नगरीय चुनाव को लेकर सामान्य चर्चा की, ये बात जिलाध्यक्ष ने बताया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।